हाई एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेज स्वागत है आप सबका रिविजन सीरीज फॉर प्रिल्म ट्वेंटी ट्वेंटी वन के एन्वायरमेंट के सेकेंड पार्ट में राइट नो इन दिस पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सर्टन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ जो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीजन भी देखो स्पीशीज़ बहुत सारी हैं बट वी विल बी रिवाइजिंग विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दी एग्जाम ठीक है सो इस वीडियो में वी विल भी फोकसिंग ऑन स्पीशीज ओनली बट यू कैन ऑलवेज लिंक दैम विद देयर प्रोटेक्टेड एरियाज ठीक है वी हैव कवर्ड प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वीडियो जो सुबह भी आई है उसमें भी मैन एंड बायोस्पेयर रिजर्व्स में हमने बायोस्पेयर रिजर्व कुछ इंपॉर्टेंट कवर किए हैं पिछली बार भी किए थे उससे पहले भी हमने प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ आसाम तमिलनाडु केरला कवर किया है रेट अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जब भी आप स्पीशीज या प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में पढ़ो तो जो हम नॉर्मली स्पीशीज़ पढ़ते हैं फोकस करो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में एंड साउथ ऑफ़ द कंट्री में बिकॉज वहाँ पे एक तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है एंड मोस्टली एंडमिक है जो सिर्फ वहीं पे मिलती है ठीक है so, सो इन जगहों पे फोकस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट सो शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ वी विल बी डिस्कसिंग सर्टन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ सो लेट्स यू स्टार्ट विद द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन दैट इज़ एशियाटिक लाइन अब देखो हमारे देश में जो एशियाटिक लाइन है इन पूरी दुनिया में जो एशियाटिक लाइन है दैट इज़ नाट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू गुजरात इंडिया का गीर एरिया जिसमें गीर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है इन uh, जो लाइन्स हैं ये आपको ग्रेटर गिर एरिया में भी मिल जाते हैं ग्रेटर गीर एरिया इज़ पार्ट ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ठीक है जैसे गीर हो गया अमरेली हो गया ऑल ऑफ दीज ठीक है एंड दिस इज़ दी ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लाइन्स इन द वर्ल्ड दिस इज़ वॉट इज इम्पॉर्टेंट उसके बाद ना एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि गीर जो एरिया है दैट इज लिंक्ड विथ मालधारीज मालधारीज हैव सर्वाइव्ड थ्रू द एजेस बाय हैविंग अ अम्बैटिक रिलेशनशिप विद द लाइन्स मतलब कि दे को एग्जिस्ट विद द लाइन्स दीज आर रिलीजियस पेस्टोरल कम्यूनिटीज और इनकी जो सेटलमेंट्स हैं, दे आर नोनेस है? उसके बाद आई यू सी एन स्टेटस अगर हम इसका डिस्कस करें तो इंडेंजर्ड है सो वी आर टॉकिंग अबाउट एशियाटिक लाइन दिस ऑल्सो स्पीशीज नोन एज एफ्रिकन लाइन इसका आई यू सी एन स्टेटस क्या है वनरेबल ये थोड़ा सा बेटर है इसके नंबर्स काफ़ी बेटर हैं एज फार एज एशियाटिक लाइन इज कंसर्न अब एक तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एलिफेंट्स में भी हम डिस्कस कर सकते हैं देखो एलिफेंट में एशियाटिक एलिफेंट का आई स्टेटस यू ऑल नो इज इनडेंजर्ड ठीक है अफ्रीकन एलिफेंट अभी रिसेंटली ना डिवाइड किया गया है पहले जो अफ्रीकन एलिफेंट था ना उसका आई स्टेटस भी वनरेबल था लेकिन अब नहीं है अब जो अफ्रीकन एलिफेंट है ना वो फॉरेस्ट और सवाना में डिवाइड किया गया है डिफरेंशिएट किया गया है फॉरेस्ट अफ्रीकन एलिमेंट एंड सवाना अफ्रीकन एलीफेंट ठीक है जो फॉरेस्ट वाला है उसका आई यू सी एन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और सवाना वाले का इंडेंजर्ड है तो ये ये रिसेंट अपडेट है आपको पता होना चाहिए बट अफ्रीकन लाइन का आई यू सी एन स्टेटस इज वनरेबल ठीक है तो पहले एशियाटिक लाइन और एशियाटिक एलिफेंट का इंडेंजर्ड था और अफ्रीकन लाइन और अफ्रीकन एलिफेंट का वनरेबल uh, था लेकिन अब अफ्रीकन एलिफेंट को एक तो दो में डिवाइड कर दिया गया है और दोनों का आई यू सी एन स्टेटस इज डिफरेंट उसके बाद शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स अगर हम कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वी हैव एशियाटिक लाइन कॉन्जरवेशन प्रोजेक्ट ठीक है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट ने शुरू किया था फॉर द कॉन्ज़र्वेशन ऑफ लॉइस ठीक है इनके नंबर्स इंक्रीज हो जाए इनके बारे में अवेयरनेस जनरेट हो ऑल ऑफ दैट अभी रिसेंटली ना प्रोजेक्ट लाइन हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड अब ये ऑब्वियसली लाइंस पे है किसके प्रोजेक्ट टाइगर के है ना प्रोजेक्ट एलिफेंट के तो ये जो प्रोजेक्ट लाइन है ना यहाँ पे छः नए साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर प्रोजेक्ट लाइन जहाँ पे इनके नंबर्स इंक्रीज किए जाएंगे एक उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है सो प्रोजेक्ट लाइन हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड पहले हमारे पास एशियाटिक लाइन कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट ही था जो लाइन सेंसर्स होता है ना ये पांच सालों में एक बार होता है 2015 में हुआ था अभी लेटली 2020 में हुआ था एंड नंबर्स हैव इंक्रीज ठीक है थैंक्स टू एशियाटिक लाइन कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट एंड दी अदर इनिशिएटिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट राइट बट अभी लेटली प्रोजेक्ट लाइन हैज ऑल्सो बीन लॉन्च इन ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है नेक्स्ट इज़ स्नो लेपर्ड तो जब भी हम बिग कैट्स की बात करते हैं ना हम एशियाटिक लाइन की बात करते हैं हम स्नो लेपर्ड की बात करते हैं हम क्लाउडेड लेपर्ड की बात करते हैं चीता की बात करते हैं सो दैट ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अब मैंने इसमें ना टाइगर नहीं डिस्कस किया बिकॉज टाइगर वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स एंड टाइगर इज़ अ बिग 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 टॉपिक ठीक है so times, big, big, big topic, उसके साथ आपको लिंकेजेस बनानी है टाइगर रिजर्वस की uh, उसके बाद टाइगर uh, रिजर्व्स में जो जो चेंजेस हुए हैं ऑल ऑफ दैट सो यू प्लीज़ रिवाइज दैट ठीक है ओके नाउ स्नो लेपर्ट स्नो लेपर्ट आपको नाम से ही पता चल रहा है दैट इट इज़ फाउंड इन स्नोई एरियाज ठीक है बर्फ़ वाले एरियाज़ में मिलता है अब ये बर्फ़ वाले एरियाज हमारे देश में या तो नॉर्थ में है लद्दाख जे एंड के हिमालयाज़ में है उत्तराखंड ठीक है हिमालयस में ये सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड में उत्तराखंड में मिलता है ये चीज़ ना थोड़ा सा ध्यान में रखनी है उसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है एंड इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ़ द हेल्थ ऑफ इंडियन माउंटेन्स ठीक है अगर तो आपका जो माउंटेनज ईको है वो हेल्दी है तो वहाँ पर आपको स्नो लेपर्स दिख जाते हैं मतलब इनकी प्रेजेंस इज़ एन इंडिकेटर दैट द स्नो माउंटेनज इको सिस्टम इज़ हेल्दी उसके बाद ना बिकॉज ये बहुत रेयरली दिखते हैं और ज़्यादा दिखते नहीं हैं तो दे आर ऑल्सो नोन एज घोस ऑफ द माउंटेन्स ठीक है आयो सी एन स्टेटस देखो वनडरेबल शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स का भी अपेंडिक्स वन अब मोस्टली ना uh, जो इंडिया में लेट्स इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या वनरेबल है दे आर ऑल मोस्टली गोइंग टू बी पार्ट ऑफ शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर कोई एक्सेप्शन है ना तो उसको आप मार्क कर लीजिए शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होगा अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स होगा और अपेंडिक्स वन ऑफ सी होगा अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो आप मार्क कर लीजिए अदरवाइज अज्यूम ओनली ठीक है मैं आपको यही बोलूँगी अज्यूम ही कीजिए एक्सेप्शन ही याद कीजिए आई स्टेटस और एक्सेप्शन के शेड्यूल वन में नहीं है या अपेंडिक्स वन में नहीं है वो वाला पार्ट आप याद कीजिए अच्छा उसके बाद इंटरनेशनल स्नो लेपर डेज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर देखो अभी लेटली ना स्नो लेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस था न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आता था तो इसलिए वी हैव कवर्ड दिस इन डिटेल राइट अब ये जो है ये बिशकेक डेक्लेशन केविंग टू बींग इन दो हज़ार तेरह ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर इस वजह से इस दिन इंटरनेशनल स्नो लेपर्ट डे मनाया जाता था बेसिकली बारह कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्नो लेपड मिलता है एक उसमें से इंडिया भी है और इंडिया ने अभी रिसेंटली इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबल स्नो लेपर्ट एंड एकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम ठीक है इसमें भी ये बारह कंट्रीज़ हैं वॉट इज इम्पोर्टेंट एट स्नो लेपड कहाँ पर आपको मिलता है कौन सी स्टेट्स में मिलता है राइट right? उसके बाद नेक्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड क्लाउडेड लेपर्ड ऑब्वियसली क्लाउडी पैटर्न है उनकी स्किन पे एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दूसरा वनड्रेबल है ठीक है लाइक योर स्नो लेपर्ड इट इज आल्सो वनडरेबल ठीक है ये चीज़ आप इजीली याद कर सकते हो दूसरी चीज इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय ठीक है त्रिपुरा के क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज दी इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क विच इज डेडिकेटेड टू द क्लाउडेड लेपर्ड्स ठीक है सो दैट इज इन त्रिपुरा एंड मिजोरम में जो डंपा टाइगर रिजर्व है वहां पे मैक्सिमम डेंसिटी है ऑफ क्लाउडेड लेपर्ड्स तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए राइट आई यू सी एन स्टेटस इज वेबल सिमिलर टू दैट ऑफ स्नो लेपर्ड ओके नेक्स्ट इज चीता देखो इंडिया में जो चीता है ना लास्ट छत्तीसगढ़ में इट वॉज स्पॉटेड इन नाइनटीन फोर्टी सेवन ठीक है तो उसके बाद 1952 में चीतास में चीताज़ देवर टू बी एक्सटिंक्ट इन आर कंट्री और हमारे देश में ऑब्वियसली एशियाटिक चीताज़ ही मिलेंगे है ना अभी जो एशियाटिक चीतास चीताज़ हैं वो सिर्फ आपको ईरान में मिलते हैं ठीक है एंड इट इज़ दी ओनली मैमल टू हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन दी लास्ट वन थाउजेंड ईयर्स ठीक है ये बहुत 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 एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि मैमल्स नहीं एक्सटिंक्ट होते स्पेशली आप इमेजिन करो ये एक एपिक्स प्रिडेटर होगा है ना और ये एक्सटिंक्ट हो गया तो कितनी बड़ी बात है तो अब ईरान में एशियाटिक चीतास चीताज मिलते हैं ईरान में भी बहुत मुठ्ठी भर नंबर्स ही हैं अब दो में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि हमें री इंट्रोड्यूस करने चाहिए चीताज इन टू वाइल्ड ठीक है सो दैट वॉज वेन प्रोजेक्ट चीता वॉज लॉन्च्ड अब जो ईरान है उन्होंने मना कर दिया ठीक है उसके हम नहीं देंगे आपको अपने एशियाटिक चीतास तो गवर्नमेंट ने बोला चलो हम अफ्रीकन चीतास को इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो अभी नबिब्या से बात हो रही है टू इट इंट्रोड्यूस दैम इन टू द वाइल्ड ठीक है सो द कंट्री विच इज़ फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द अफ्रीकन चीतास इज़ नबिब्या अगेन अफ्रीकन चीता का जो आई स्टेटस है वो वनरेविल है एशियाटिक चीता इंडिया में तो एक्सटिंक्ट ही है सो so, उसका जो आई स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ठीक है सो कंपेयर करो वी हैव डिस्कस्ड एशियाटिक एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स एशियाटिक एंड अफ्रीकन लाइन्स एंड नाउ एशियाटिक एंड अफ्रीकन चीतास एंड इट इज़ फास्टेस्ट लैंड एनिमल ठीक है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए देन पेंगुलन पेंगुलन क्यों इंपॉर्टेंट है पेंगुलन इज दी स्केली मैमल एक ऐसा मैमल जिसके बॉडी में स्केल्स हैं और ये स्केल्स जो हैं ये चाइनीज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी मेडिसिंस में दे ऑल्सो लाइक पेंगुलन मीट तो चाइनीज और यू uh, नो you know, कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोयड करते हैं इन पेंगुलन्स को इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्केली एंड ईटर क्योंकि ये इंसेक्टी वोरस है वो ऑबियस है कि ये इंसेक्ट्स पे फीड करता है अब इंडियन पेंगुलिन देखो इंडिया में ना आपके पास इंडियन पेंगुलिन भी मिलती है और चाइनीज पेंगुलिन भी मिलती है दोनों मिलती हैं ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि चाइनीज़ इंडिया में नहीं मिलेगी चाइनीज भी मिलती है इंडियन भी मिलती है इंडियन पेंगुलिन अब पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटेड है सिवाय एरड रिजन हिमालयस और नॉर्थ ईस्ट ठीक है और इनफैक्ट बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका काफ़ी वाइड स्प्रेड है इंडियन पेंगुलिन जो चाइनीज़ पैंगोलिन है ना ये मोस्टली आपको नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में मिलती है नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ठीक है हिमालयन फुट हिल्स इन ईस्टर्न नेपाल यहाँ पे चाइनीज़ पैंगोलिन मिलती है अब जो इंडियन पैंगोलिन है ना इसका आई ओ सी एन स्टेटस इज़ इन डेंजर्ड और चाइनीज़ का ना आप सी सी से याद कर सकते हो सी सी से ये चाइनीज इज़ फॉर सी चाइनीज़ पैंगोलिन का जो आई यू सी एन स्टेटस है वो क्रिटिकली इन है ठीक है और इंडियन पैंगोलिन का इंडेंजर्ड है ठीक है और दोनों मिलती हैं इंडिया में ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखनी है और बोथ ऑफ दी स्पीशीज़ आर लिस्टेड इन शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स ठीक है सो दिस इज रिगार्डिंग द पैंगोलिन विच यू नीड टू नो स्केली मैमल ओनली स्केली मैमल नोन फॉर यू नो इट्स स्केल्स और ये जो चाइनीज है अपनी मेडिसिन में चाइनीज मेडिसिन में स्केल्स यूज होते हैं इसलिए दे आर हंड्रेड देर मीट दे, uh, दे आर हंड्रेड फॉर देर मीट ठीक है एंड बोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन इंडिया चाइनीज एंड इंडियन चाइनीज थोड़ी ज़्यादा यू नो एक्सप्लोइटेड है उनके नंबर सॉबिकम है तो उसका आई यू सी इन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड सी सी से आप याद कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज डायनासरस ना राइनोसरस, वी ऑल नो इंडिया में सिर्फ ग्रेटर वन हॉन्ट राइनो मिलता है ठीक है विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन राइनो है ना और ये मोस्टली आपको काजीरंगा में इसके जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं इन आसाम ठीक है वैसे अगर हम बात करें सो वी हैव फाइव डिफरेंट स्पीशीज ऑफ राइनासरस ठीक है अब अगर हम इंडियन राइनो की बात करें तो इसका आयो स्टेटस क्या है वनड्रेबिल ठीक है इसका आयो स्टेटस इज स्टेटस ब्लैक राइनो एंड यू हैव वाइट राइनो दीज आर टू अफ्रीकन राइनोज दीज आर टू अफ्रीकन स्पीशीज ठीक है ब्लैक राइनोज स्मॉलर देन दी वाइट राइनो और वाइट राइनो ना अभी काफ़ी ज़्यादा एक्स्टिंक्ट था इंस्टिंक्ट एंड वाइल्ट तो रिसर्चर्स ने एम्ब्रियो बनाया था ऑफ नगर इन वाइट राइनो बाई यूजिंग आई वी एफ प्रोसेस ठीक है सो so, राइनोज में हमारे पास वी हैव ब्लैक एंड वाइट राइनोज बोथ ऑफ देम आर एफ्रिकन देन यू हैव जावन जावन जो है वो क्रिटिकली इन डेंजर्ड है ठीक है एंड सुमान हैज़ रीसेंटली गॉन इन मलेशिया तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ना पता होने चाहिए ठीक है जावन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो अगर हम वैसे बात करें ना तो हमारे जो इंडियन राइनो है उसी के नंबर्स अच्छे हैं और उसी का आईओ स्टेटस uh, भी थोड़ा सा बेटर है वनरेबल कंपेयर टू अदर्स ठीक है और जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है ना इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ़ द राइनो स्पीशीज़ इंडिया और नेपाल में बेसिकली आपको मिलता है इंडिया में भी आसाम में मेजरली मिलता है पहले ये पाकिस्तान में भी मिलता था अब ये पाकिस्तान में इट हैज़ गॉन एक्सटिंक्ट ठीक है सो वी हैव ग्रेटर वन हॉर्न राइनो विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन राइनो द आई यू सी इन स्टेटस इज वन रिपिल ब्लैक एंड वाइट आर बोथ अफ्रीकन ठीक है not very good numbers again. javan critically endangered. Sumatran has recently gone extinct in Malaysia. theek hai not in indonesia malaysia अब अगर हम बात करें Indian rhinos की तो अगर हम इंडियन राइनो की बात करें तो वी हैव इंडियन राइनो विजन पहली चीज़ जो 2020 के लिए विजन थी एक कि 2005 में लॉन्च किया गया था और हमें एटलीस्ट तीन हजार ग्रेटर वन हॉन्ड राइनोज करने थे इन द इंडियन स्टेट ऑफ असाम बाई अभी भी नंबर्स आर वेरी गुड लाइक ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट हंड्रेड है ठीक है सो दैट वॉज इंडियन राइनो विजन ट्वेंटी ट्वेंटी एक तो ये हमारे देश में इंपॉर्टेंट है उसके बाद ग्लोबली भी हमने जो फाइव राइनो रेंज कंट्रीज हैं इंडिया भूटान नेपाल इंडोनेशिया एंड मलेशिया बेसिकली द एशियन वंस ठीक है नॉट द अफ्रीकन वंस द एशियन वंस उन्होंने एक डिक्लरेशन साइन की थी द न्यू डेली डेक्लरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 थाउजेंड नाइनटीन फॉर द conservation एंड द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज ठीक है तो इंडिया नेपाल भूटान एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया में हमारे पास एशियन राइनोस मिलते हैं और उन्होंने न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 साइन की थी अच्छा उसके बाद अफ्रीकन राइनोस पे आते हैं देखो अफ्रीकन में मैंने आपको बताया कि वी हैव हाँ वाइट राइनोज एंड वी हैव हाँ ब्लैक राइनोज जो वाइट राइनोज हैं ना साधरन वाइट राइनोज हैं देवर थॉट टू तो बी एक्सटिंक्ट लेकिन अभी

मिलते हैं विच इज इन इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा जो सुमात्रन है दे आर ऑल्सो क्रिटिकली इन डेंजर्ड एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एशियन टू हॉन्ड डाइनासरस ठीक है सो इफ यू रिवाइज सी योर एफ्रिकन योर जावन एंड इवन योर सुमातरन ऑल ऑफ देम आर क्रिटिकली इन डेंजर्ड ठीक है जब हम बात करते हैं अफ्रीकन की तो ब्लैक आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड योर वाइट आर नियर थ्रेट एंड द वड्रेबल वंस आर योर ग्रेटर वन हॉन्ट राइनोस ठीक है जो जावन है वो जावा में मिलेंगे इंडोनेशियन पार्ट में जो सुमात्रन है वो अभी रिसेंटली मलेशिया में एक्सटिंक्ट हो गए हैं ठीक है तो ये ऑब्वियसली जावन और सुमात्रन इंडिया और इंडोनेशिया और मलेशिया में मिलते होंगे लेकिन जो सुमात्रन है वो रिसेंटली मलेशिया में एक्सटिंक्ट हो गए हैं ऑल ऑफ देम आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक्सेप्ट द वाइट वंस विच आर नियर थ्रेटेड आई होप दिस इज क्लियर थोड़ा ब्रॉडर आइडिया ले लीजिए इतना डिटेल में अगर आप नहीं भी जाओगे तो भी इट वुड बी बिकॉज डायनोसर इज इज अ कंफ्यूजिंग टॉपिक एवरी टाइम वी रीड अबाउट ग्रेटर वन हॉन डाइनोस के बारे में हमें सब पता होता है लेकिन इनके बारे में नहीं पता होता ठीक है उसके बाद इंडियन वाइल्ड एस इंडियन वाइल्ड एस आपको कहाँ पर मिलता है प्री डोमिनेंटली इन द लिटल रन ऑफ कच एंड इट सराउंडिंग एरियाज इन गुजरात ठीक है इसको घोर कर और घुड़ कर भी कहते हैं ठीक है आई एम सॉरी आई एम नॉट प्रनाउंसिंग इट राइट उसके अलावा ये आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान में भी मिलता है द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान ठीक है विच वुड बी नियर टू द पाकिस्तान एंड द अफगानिस्तान पार्ट ये आपको मिलता कहाँ पे है रन सिलाइन डेजर्ट्स में ग्रास लैंड्स विच आर एरड एंड श्रब लैंड्स तो जहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं होते अब ना में इंडियन वाइल्ड आर्स हैज़ बीन मूवड फ्रॉम वनरेबल टू इन ठीक है लेकिन अभी इसका आई यू सी एन स्टेटस नियरली नियर थ्रेटेंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले क्या था वो आपको नहीं भी याद में रहता तो भी इट्स ओके okay. अभी इसका आई यू सी एन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है वाइल्ड आर्स का शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स उसके बाद इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है जो डेडिकेटेड है वाइल्ड आसर्स के लिए गुजरात में है एंड इट इज़ लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी इन इंडिया ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बाद ना कुछ साल पहले गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने बोला कि हम थार डेजर्ट इन राजस्थान में भी इंट्रोड्यूस करते हैं इंडियन वाइल्ड को लेकिन अभी तक इट हैज नॉट बीन देयर ठीक है सो दे आर ओनली फाउंड इन द लिटिल रन ऑफ कच एंड देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग राइट देन इंडियन वाइल्ड डॉग विच इज ऑल्सो नोन एज एशियाटिक वाइल्ड डॉग ऑल्सो नोन एज ढोल ये भी ना आपको सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी जगह पे मिलता है एक तरह से एपिक्स पिक्सप्लीडेटर ही है कार्निवोरस है राइट अब इसका देखो आई यू सी एन स्टेटस इज इन डेंजर्ड लेकिन इट इज़ फाउंड इन शेड्यूल टू ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्सेप्शन हो गई याद करना आसान है अपेंडिक्स टू ऑफ साइट्स ठीक है आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ वेन आई वॉट आई मेंट वेन आई सेट देर आर सर्टन एक्सेप्शन उनको आप फोकस कीजिए उनको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि एग्जाम में अगर आ गया तो एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी होगी ठीक है देखो एग्ज़ाम हमेशा ही आपको सरप्राइज़ करेगा यूपीएससी का एग्ज़ाम इज नोन फॉर दैट हर साल वो करता है राइट right? बट कितना सरप्राइज़ आप होते हैं वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है सो वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड दी हॉराइजनज एज मच एज पॉसिबल बट जो ह्यूमनली पॉसिबल है हम उतना ही एक्सपैंड करें उतना ही हम रिटेन कर पाएंगे वही सस्टेनेबल है सो दैट इज़ दी आइडिया दैट इज़ वेयर द लिंकेजेस कम इन टू द प्ले ठीक है तो ये भी आप एक दिमाग में बना लीजिए कि मोस्टली जो इंडेंजर्ड वनडरेबल और क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी है उसमें शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स मेनली एक्सेप्शन वाइल्ड डॉग ढोल शेड्यूल टू ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड अपडिक्स टू ठीक है उसके बाद ना अभी एक स्टडी हुई है रिसेंटली जिसमें तीन स्टेट्स हैं को इंडिया में भी ना ये काफ़ी ज्यादा इसकी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है इससे कुछ लिमिटेशन नहीं है कि यही मिलता है या वहीं मिलता है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है सो so, अभी कर्नाटका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दे रैंक हाई इन द कॉन्जर्वेशन ऑफ इन ढोल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी और uh, जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है ना उन्होंने विज़ाग में इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क फॉर क्रिएशन ऑफ ए कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर द इंटर इंडेंजर्ड वाइल्ड डॉग तो ये भी आपसे एक प्रॉलम से पोटेंशियल <coughs> क्वेश्चन हो सकता है ठीक है देन नेक्स्ट इज वाइल्ड वाटर बाफलो विच इज ऑल्सो नोन एज एशियाटिक बफलो ठीक है अब ना जब हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे बिग फाइव एनिमल्स आपको मिलते हैं सो so वहाँ पे वी हैव हाँ टाइगर विच वी हैव डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स राइनो जो हमने पहले डिस्कस किया है एलिफेंट डियर एंड वाइल्ड वाटर बाफ्लो डियर तो हम आने वाले वीडियो में डिस आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे वाइल्ड वाटर बाफ्लो हम यहाँ पर डिस्कस करें अब ये जो वाइल्ड वाटर बाफ्लो है ना नाम से ही पता चल रहा है ये आपको ना मार्शेस और स्वम्पी एरियाज में मिलेगी ज़्यादातर ठीक है इंडियन सब एंड साउथ ईस्ट एशिया में आपको नॉर्मली मिलती है इन द एलोवील ग्रासलैंड मार्श स्वॉम्प एंड रिवर वैलीज ठीक है अब ये जो है इन है ठीक है सो इफ वी लुक एट टाइगर इज इन डेंजर्ड एलिफेंट इज इन डेंजर्ड राइनो इज वेबल एंड इवन योर वाइल्ड वाटर बफलो इज इन डेंजर्ड ठीक है स्वाम्प डियर इज ऑल्सो वनडरेबल ठीक है तो दो वनडरेबल है बाकी तीनों इन डेंजर्ड है आउट ऑफ द बिग फाइव शेड्यूल वन एंड अपेंडिक्स वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स एंड शेड्यूल वन शेड्यूल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके बाद ना अभी मानस इन असाम है ना वहाँ पे भी ये मिलेंगे वहाँ से ना इट इज़ ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ सॉरी स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़ ठीक है ये जो हमारी uh, वाटर बाफ्लो है इट इज़ दी स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़ ठीक है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखो जब हम स्टेट एनिमल्स करते हैं ना तो अगर आपको कोई नेशनल पार्क या यू नो कोई प्रोटेक्टेड एरिया आ जाए और आपको इससे रिलेट करना है कि क्या ये एनिमल या बर्ड वहाँ पे मिलता है तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि स्टेट बर्ड है उसका तो स्टेट एनिमल है तो वहाँ पे तो पक्का मिलता ही होगा ठीक है तो ये भी एक तरीका है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का ठीक so है सो वाटर बाफ्लो छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है तो रायपुर की उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये मानस से ट्रांसलोकेट किए गए थे और काफ़ी लंबी ट्रांसलोकेशन थी है ना दूर है ना तो इट वाज द लॉन्गेस्ट ट्रांसलोकेशन फॉर वाइल्ड बाफलोर्स वाइल्ड वाटर बाफलोर्स राइट नो लेट्स डिस्कस स्वाम और बारह सिंगा देखो इंडिया में ना जब हम बात करते हैं स्वम डेयर की तो इंडिया में ना तीन स्पीशीज़ हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या इंडिया में तीन स्पीशीज मिलती हैं यू हैव वेस्टर्न स्वम्प डियर जो इंडो गेंगेटिक प्लेन्स में मिलता है सदरन स्वम्प डियर जो अभी सिर्फ काना नेशनल पार्क में आपको मिलता है ठीक है दे ओनली फाउंड इन काना नेशनल पार्क इन एम पी ये जो बारा सिंगा है या जो स्वम्प डियर है ये स्टेट एनिमल है दो स्टेट्स का मध्य प्रदेश एंड यूपी ठीक है तो uh, तीन स्पीशीज़ हैं इसकी तीन सब स्पीशीज़ हैं यू हैव वेस्टर्न विच इज़ फाउंड इन द इंडो गंगेटिक प्लेन्स यू हैव सदरन विच इज फाउंड इन काना सो ये थोड़ा आप कन्फ्यूज़ मत होइए कि काना आपको कहीं और मिलता है काना सॉरी uh, जो uh, साधरन है वो आपको कहीं और मिलता है वो आपको काना में मिलता है इन फैक्ट uh, जो ये बारह सिंगा है अभी uh, इस एक मैस्कट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एज फार एज का काना नेशनल पार्क का एक मैस्कॉट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ठीक है जिन्होंने पहला इट वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द मैस्कॉट भूर सिंह द बारा सिंघा ठीक है उसके बाद जो ईस्टर्न सॉम्पडियर है वो आपको काजिरंगा में मिलेगा क्योंकि वहाँ पर अभी हमने बिग फाइव डिस्कस किया है और दुद्वा नेशनल पार्क विच इज़ इन यूपी ठीक है तो ईस्टर्न भी आपको uh, दुधवा और काजिरंगा में मिलेगा ठीक है देन स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश एंड ही आई यू सी एन स्टेटस वनडरेबल है तो अगेन बिग फाइव में स्वाम डियर का आई यू सी एन स्टेटस वनरेबल है आइनोस का आईयूसीबल है बाकी तीनों का वो है इन शेड्यूल शेड्यूल्ड वन एंड अपेंडिक्स वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है देन के बारे में आपने सुना होगा डांसिंग डियर इसको एल्ड डियर भी कहते हैं आपको सिर्फ मणिपुर में लोकतक लेक है जो जो एक नाम से साइड है वहाँ पे मिलता है वहाँ पे भी है फुमड़ीज विच आर द फ्लोटिंग मासिस ऑफ फ्लोटिंग मासेज ऑफ वेजिटेशन है ना फुमड़ीज कहा जाता है उनको आर ओनली फाउंड इन द लोकतक लेक इन मणिपुर इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ईस्टर्न इंडिया अब ये जो फुमड़ी है ना वन ऑफ द लार्जेस्ट फुमड़ीज जिसमें हमारे पास केबल लमजाओ नेशनल पार्क है और जो डांसिंग डियर है या सेंंगाई है सिर्फ आपको यहीं पे मिलता है तो ये फुमड़ी यार यू नो मूविंग ओवर वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं तो जब ये डियर उस पर मूव करता है तो ऐसे लगता है इट इज़ डांसिंग ठीक है दैट इज़ वाई इसका जो नाम है डांसिंग डियर है सो so ये जो पार्क है केबल लम जाशनल पार्क इट इज़ द लास्ट नेचुरल रिफ्यूज ऑफ द इंडेंजर्ड सेंगाई सेंगाई इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ योर मणिपुर ठीक है तो so, अभी तक हमने बारह सिंगा किया है जो एम और यूपी का है छत्तीसगढ़ का है हमारे पास वाटर uh, बफलो और सेंगाई इज द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर आई यू सी एन स्टेट इन शेड्यूल वन एंड वन ऑफ साइट्स। राइट देन इंडियन एंटीलोप और ब्लैक पार्क ना जो एंटीलोप्स होते हैं ना ये जो गोट शीप की एक ब्रॉडर कैटेगरी है इनको एंटीलोप्स कहा जाता है ब्लैक बाग भी उनमें से एक है देखो ब्लैक बाग इज़ दी स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश और काफ़ी वाइड स्प्रेड है थ्रू आउट इंडिया आपको मिल जाता है ये ठीक in है इट इज़ फाउंड इन इंडिया एंड इन नेपाल आई यू सी एन स्टेट देखो इसका लीस्ट कंसर्न है शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड थ्री ऑफ साइट्स ठीक है तो ये भी एक चीज़ अब आपको याद रखनी है देखो लीस्ट कंसर्न है आई स्टेटस उसके बावजूद भी शेड्यूल वन है और अपेंडिक्स थ्री है ऑफ साइट देन नीलगिरी ताहर ऑब्वियसलीलगिरी का एंडमिक होगा ऑल्सो सो इट इज फाउंड इन द साधर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन दी स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला इन साधर्न इंडिया ठीक है अन्ना मलाय पालनी हिल्स में ये ना आपको ओपन माउंटेन ग्रास लैंडस में मिलता है ठीक है माउंटेन हो के मतलब पहाड़ों पे माउंटेनज इट इज़ दी स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु और मुकुर्ती नेशनल पार्क है ना तमिलनाडु में दैट इज फेमस फॉर नीलगिरी ताहर्स तो आपको प्रिलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है इंडेंजर्ड शेड्यूल वन एंड अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स अगेन ये भी हमारे पास सिंपल है कि इंडेंजर्ड है आई यू सी एन स्टेटस शेड्यूल वन एंड अपेंडिक्स वन ठीक है नीलगिरी ताहर और नीलगिरी आई देन कैरेकल कैरेकल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम इसलिए ये न्यूज़ में था ठीक है ये एक तरह से नॉकटर्नल एनिमल है विच इज़ एलूसिव एलूसिव का मतलब होता है आपको दिखता नहीं है लेकिन इट इज़ वैल्यूड फॉर इट्स फ्लेक्सीबिलिटी कि ये ना ये जंप करके ही बर्ड्स को कैच कर लेता है इन फ्लाइट पहले जो ये था ये काफ़ी स्टेट्स में आपको मिलता था थर्टीन इंडियन स्टेट्स में कैरेकल से बट अभी इट इज़ लिमिटेड ओनली टू राजस्थान ठीक है पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड कच्छ ठीक है मतलब गुजरात राजस्थान एंड एम पी आई यू सी एन स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपेंडिक्स वन फॉर एशियन पॉपुलेशन एंड अपेंडिक्स टू फॉर अदर्स तो ये भी एक आपकी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है ठीक है सो कैरेकल इज ऑल्सो लीस्ट कंसर्न देन हिमालयन सैरो जो है वो डोंकी डोंगीओ और पिक के बीच में ना एक क्रॉस की तरह है इट इज़ फाउंड इन हिमालयस ठीक है ईस्टर्न सेंट्रल वेस्टर्न हिमालयस दे आर हर्बी वोस और ये ना आपको काफ़ी ज़्यादा हाइट पे मिलते हैं 2000 से 4000 हजार मीटर्स की हाइट पे ही हिमालयन सैरो आर मोस्टली फाउंड और ये ना जो फॉरेस्ट होते हैं जो डेंस होते हैं और जो अनडिस्टर्ब्ड होते हैं उनकी फ्लैगशिप स्पीशीज़ है वहाँ पे आपको सैरो ज़्यादा मिलेंगे ठीक है जो डेंस और अनडिसटर्बड फॉरेस्ट होते हैं अब पहले इसको नियर थ्रेटेंड आई यू सी एन लेकिन अभी लेटली वनरेबल है ठीक है so, सो वनरेबल शेड्यूल वन एंड अपेंडिक्स वन ठीक है आई होप दिस इज क्लियर हिमालयन देन नेक्स्ट इज डॉल्फिन्स न डॉल्फिन्स ये ऑल नो पानी में रहती हैं बट दे आर मैमल्स अनलाइक शार्क्स विच आर फिशेस ठीक है तो so, डॉल्फिन्स uh, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डॉल्फिन जो इंडिया में मिलती है ठीक तीनों तीनों है गवर्नमेंट टू सेव बोथ द रिवर एंड द मेरीन डॉल्फिन डॉल्फिन मेरीन आपने सुना होगा हम बैक डॉल्फिन एटसेट्रा एटसेक्ट्रा तो ये जो रिवर डॉल्फिन है इनके और मेरीन डॉल्फिन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन वॉज लॉन्च्ड हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये वाली डॉल्फिन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बट इट इज़ ऑब्वियसली ऑन द लाइन्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड इट विल भी इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ना इफ यू टॉक अबाउट इरावडी डॉल्फिन देखो इरावडी डॉल्फिन ऑब्वियसली इरावडी रिवर जो है म्यांमार में वहाँ पर तो मिलेंगी ही मिलेंगी क्योंकि उसके ऊपर इसका नाम है कोस्टल एरियाज में मिलती हैं ये ठीक है इंडोनेशिया में महाकम एंड मिकोंग इन चाइना इन रिवर्स पे भी मिलती है राइट बांग्लादेश में भी मिलती हैं तो इस एरिया में दे आर प्रेवलेंट अब चिलिका में ना जो ये मिलती है इट इज़ कंसिडर टू बी दी हाइएस्ट सिंगल लुगून पॉपुलेशन ऑफ इरावटी तो ईरावटी डॉल्फिन आर वेरी मच फाउंड इन योर इंडिया में चिलिका में ठीक है डोंट गेट कन्फ्यूज के इरावटी सिर्फ इरावटी इन म्यांमार में मिलेंगी नहीं चलिका में भी मिलती है ये चीज़ याद करने वाली है आई यू सी एन स्टेट इज इनजर डॉल्फिन गेंगे रिवर आर ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग जो इंडस रिवर है वो इंडस रिवर इन पाकिस्तान में मिलती है और इंडिया में अगर हम बात करें तो ब्यास विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर इन पंजाब वहां पर मिलती है राइट एंड दे आर ऑल्सो फंक्शनली ब्लाइंड लाइक जो गंगेटिक रिवर्स हैं दे आर ब्लाइंड ठीक है वो इको लोकेशन से काम करती है दीज आर ऑल्सो सर्वाइविंग इन द मडी वाटर्स या फंक्शनली ब्लाइंड एंड ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल है ऑफ पंजाब का जो गंगेटिक आन, गंगेटिक डॉल्फिन है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ऑफ इंडिया ठीक है so, सो इनको सूसू भी कहा जाता है बिकॉज दे मेक अ अर्टन साउंड वेन दे ब्रीथ ठीक है शेड्यूल वन अपेंडिक्स वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अब देखो हमारे पास ना चार फ्रेश वाटर डॉल्फिन हैं सो वी हैव बोट भूलान विच इज़ योर इंडस रिवर डोल्फिन ओनली यू हैव द गंगेटिक वन द बोटो इन अमेजोन रिवर एंड दी बाई जी इन यान्से रिवर ठीक है जो इरावडी है वो आपको कोस्टल एरियाज में मिलती है जी ये प्रॉपर फ्रेश वाटर है ठीक है सो गंगेटिक हो गई और इंडस दो तो इंडिया में ही मिलती हैं ठीक है ठीके? भुलान इज़ द नेम ऑफ द इंडस रिवर डोल्फिन बाईजी चाइना में मिलती थी लाइकली लाइक है यांगसे में और तो एमेजोन में मिलती थी लैटिन अमेरिका में अगेन आएम सेइंग के जो इरावडी है वो हमारी कोस्टल uh, uh, मतलब जो ब्रैकिश वाटर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलती है लगूनस जैसे uh, चिलिका में ठीक है तो वो एकदम से फ्रेश वाटर नहीं है तो फ्रेश वाटर में यहीं आती हैं ये रिवर्स और लेक में रहती हैं दे प्रेफर डीप वाटर्स ठीक है एंड दे आर एसेंशली ब्लाइंड ठीक है बिकॉज दे डोंट हैव आइलेंस एंड दे यूज़ ईको लोकेशन ठीक है सो दे कैन इवन सर्वाइव इन मडी वाटर्स एंड ऑल दैट बिहार गवर्नमेंट फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर द किंगेटिक डॉलफिन इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट विच इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड एट विक्रमशिला किंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इन बिहार ठीक है तो ये भी एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए देन मूविंग ऑन टू द बर्ड्स नो बस्टर्ड्स क्या होते हैं दे आर लार्ज फ्लाइंग बर्ड्स ठीक है इनफैक्ट <laughs> जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इट इज़ वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड काफ़ी हैवी एंड फ्लाइंग बर्ड इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान ये आपको मोस्टली राजस्थान और गुजरात में ही मिलती है अब ये भी ना ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम्स है उसकी फ्लैगशिप स्पीशीज है इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द ग्रास लैंड्स राइट अभी सिर्फ राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में ही आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स मिलती हैं हाई यू सी इन स्टेट क्रिटिकली डेंजर्ड शेड्यूल वन अपेंडिक्स वन अभी रिसेंटली ना ग्रेट इंडियन जो गांधीनगर में कॉप थर्टीन हुआ था सी एम एस का सी एम एस का उसमें आ, तीन स्पीशीज़ हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एशियन एलिफेंट बंगाल फ्लोरिकन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दे वर इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स वन ऑफ सी एम एस ठीक है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स चलते हैं जैसे प्रोटे आ, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो राजस्थान गवर्नमेंट चलाती है ठीक है फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने भी एक हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया हुआ है एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में ही आपको मिलते हैं uh, जैसे हमने गुजरात के इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया था जहाँ पे सिर्फ आपको वाइल्ड लाइफ मिलते हैं राइट देन रैप्टर्स Uh, देखो जो रैप्टर्स हैं आर बर्ड्स ऑफ प्रे जैसे वल्चर्स हो गए ईगल्स हो गए है ना जो uh, फीड करते हैं डेड एनिमल्स uh, पे है ना कैरकेसेस पे वो उनको कहते हैं रैप्टर्स अभी रिसेंटली जो आई यू सी एन का अभी पूरा रेड लिस्ट का जो एनालिसिस हुआ है दोबारा से उसमें आई यू सी एन और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने जो 160 सिक्सटी ऑफ प्रे हैं दे आर इन डेंजर्ड वर्ल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड ठीक है मतलब तो इनका जो नंबर है वो बड़ा ही है और थर्टी परसेंट ऑफ दी फाइव फिफ्टी सेवन रैप्टर स्पीशीज अराउंड दी वर्ल्ड आर थ्रेटेड बाई एक्सटेंशन टू सम डिग्री ठीक है तो ये अभी रिसेंटली पता चला है और इंडिया ने ना नॉन लीगली बाइंडिंग एम साइन किया हुआ है का, uh, raptors, सी का फॉर रैप्टर्स 2016 में उससे पहले डुगोंग सी काउ का 2008 में टर्टल्स का 2007 में और uh, जो हमारी साइबेरियन ट्रेन है उनका 1998 नाइनटी ये तो रैप्टर्स के बारे में आपको एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए उसके बाद अगर हम वल्चर्स की बात करें विच इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो वल्चर्स इंडिया में बहुत नंबर्स उनके रोबस्ट थे देड कॉन्जर्वेशन लेकिन दो लेकिन 2003 में ना जो बी है उन्होंने ये पता किया कि बहुत सारी वल्चर्स ना दे आर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर ठीक है तो उन्हें पता चला कि जो डिक्लोफिनैक है विच इज़ न सेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग विच इज गिवन टू ट्रीट पेन एज अ पेन किलर दिया जाता है जो एनिमल्स को ठीक है अब वो एनिमल्स अगर सपोज मर गए है ना तो उनकी बॉडी पे ये वल्चर्स फीड करती हैं और उनकी बॉडी में अभी भी डिक्लोफिनैक होगा तो वो जो डिक्लोफिनैक है दैट इज़ कॉजिंग किडनी फेलियर इन द वल्चर्स तो 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने वेटनरी यूज ऑफ दिस डिकलोफिनैक बैन कर दिया एंड दे रिप्लेसट बाई मिलोक्सी कैप ठीक है सो इट इज़ अ वंडर ड्रग फॉर कैटल एंड ह्यूमंस ठीक है पेन किलर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट ड्रग है लेकिन पल्चर्स के लिए टॉक्सिक है कैप का, कार्पोफन फ्यूनिकसन ये भी जो है दे आर टॉक्सिक टू पल्चर्स एंड बट दे आर स्टिल इन यूज अभी तक सिर्फ डिक्लोवनैक हैज बीन बैंड फॉर वेटनरी यूज ठीक है तो ये प्रॉब्लम है अब अगर हम बात करें तो इंडिया में ना हमारे पास नौ स्पीशीज़ हैं वल्चर्स की ठीक है जिसमें से तीन इंपॉर्टेंट है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इनफैक्ट चार क्रिटिकली इंडेंजर्ड है सो वाइट रंपिट वल्चर है हमारे पास स्लेंडर बिल्ड वल्चर है इंडियन वल्चर जिसको लॉन्ग बिल्ट वल्चर भी कहा जाता है ठीक है दिस इज आई थिंक दिस इज़ लॉन्ग बिल्ड वल्चर और इंडियन वल्चर ठीक है दिस इज वाइट रंपेड वल्चर एंड दिस इज सिलेंडर बिल्ड वल्चर दिस वन इज सिलेंडर बिल्ड दिस इज इंडियन वल्चर और लॉन्ग बिल्ड ठीक है शायद इसकी गर्दन लंबी होती है सो so, इनका जो आई स्टेटस है इन तीनों का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसके बाद एक रेड हेडेड वल्चर है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आउट ऑफ द नाइन ठीक है देन इजिप्शियन वल्चर इज इन ठीक है इजिप्शियन वल्चर इज इन और हिमालयन ग्रिफॉन विच इज़ रिलेटेड टू इंडियन वल्चर इज नियर थ्रेटेड ठीक है सो हमारे पास जो नौ स्पीशीज है उसमें से चार क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गई कौन सी कौन सी व्हाइट रंपिड स्लेंडर बिल्ड और लॉन्ग बिल्ट विच इज ऑल्सो नोन एज इंडियन वल्चर एंड ब्रेड हेडेड वल्चर दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक इंडेंज endanger, इंडेंजर्ड uh, है वो आप ई e -E से याद कर लो इजिप्शियन वल्चर इज इंडेंजर्ड ई फॉर ई ठीक है ये ई e और इंडेंजर्ड उसके बाद बाकी जो रह गई तीन वो न्योर्थ्रेडेंट है इंक्लूडिंग हिमालयन ग्रिफॉन हिमालयन ग्रिफॉन इज़ वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू योर इंडियन जिप्स ठीक है सो वी हैव नाइन स्पीशीज़ जैसे ये ओरिएंटल वाइट बैग लॉन्ग बिल्ड ठीक है uh, बियरडर्ड ये सब नाम है तो आप सबके नाम याद करने के बजाय जो हमें याद रखने हैं देखिए चार क्रिटिकली इंडेंजर्ट है वाइट ट्रम्पेट इट स्लेंडर बिल्ट इंडियन वालचर लॉन्ग बिल्ड और रेड हेडेड रेड हेडेड की खास बात यह है कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है बट वो अभी तक शेड्यूल वन में नहीं है ये चीज आपको पता होनी चाहिए रेड हेडेड की राइट right? उसके बाद इजिप्शियन इज इन से याद कर सकते हो और हिमालयन ग्रिफॉन इज नियर थ्रेटेंड राइट ओके सो दिस इज अबाउट दल्चर्स देन सेरस क्रीन सारे एक बर्ड है जो टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है और ये आपको उत्तर प्रदेश में बहुत मिलता है इट इज़ इनफैक्ट द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल्सो एंड इट इज़ इंडियाज ओनली रेजिडेंट ब्रीडिंग क्रेन। बाकी सब बाहर से आती हैं माइग्रेटरी होती हैं रेजिडेंट सिर्फ एक ही है सारस क्रेन। और ये आपको मार्शल प्लेसेस लाइक वेटलैंड्स में मिलता है अब देखो आई यू सी इन स्टेट इज वनरेबल शेड्यूल फोर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपेंडिक्स टू ऑफ साइट्स राइट ओके देन क्राकोडाइल्स आप देखो इंडिया में ना तीन स्पीशीज़ हैं क्रोकोडाइल्स की जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और तीनों का आईओ सी एन स्टेटस अलग है घड़ियाल पुलिटिकली एंडेंजर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके नंबर्स बहुत ही कम है मगर वनरेबल सॉल्ट वॉटर क्रॉकोडाइल विच आर ऑल्सो नोन एज एस्टोराइन और सॉल्टीज लीस्ट कंसर्न ओके okay, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो ये वल्चर्स की कॉन्जर्वेशन की बात हम कर लेते हैं आ देखो वल्चर केयर सेंटर ना पहली बार पिंजौर हरियाणा में बना था 2004 में वल्चर कॉन्ज़र्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर में ही अपग्रेड हो गया था ठीक है और अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नाइन वल्चर कॉन्जर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स है एंड बी एन एच एस अलॉन्ग विद रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स फॉर ऑफ़ यू के ये एक सेविंग एशियाज वल्चर फ्राम एक्सटिंक्शन एक प्रोग्राम भी चलाते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट ने भी वल्चर एक्शन प्लान लॉन्च किया है फॉर द कन्जर्वेशन ऑफ वेल्चर्स वर्ल्चर एक्शन प्लान ट्वेंटी फाइव ठीक है सो सेव है वर्ल्चर एक्शन प्लान है और वी सी बी सीस हैं ठीक है ओके ना दिस इज़ हाउ घड़ियाल लुक्स ठीक है इनका जो ये स्नाउट होता है ना दैट इज़ हैविंग दिस स्ट्रक्चर के को तो घड़ियाल कहा जाता है नो no, घड़ियाल अगर होंगे तो क्लीन रिवर वाटर है ठीक है और ये आपको चंबल रिवर रिवर uh, में मेनली मिलता है इट इज फाउंड इन चंबल सेंचुरी नेशनल चंबल सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश बट ऐसा माना जाता है ट्राई जंक्शन है वो राजस्थान मध्य प्रदेश और यूपी का एंड इट इज ऑल्सो नोन फॉर क्रिटिकली दिस प्लेस इज नोन फॉर क्रिटिकली इन डेंजर्ड रेड क्राउंट रूफ टर्टल ये हम टर्टल्स में पढ़ेंगे एंडी इन डेंजर्ड गेंगेटिक डॉल्फिन ठीक है तो चंबल में ही आपको मेनली मिलता है उसके अलावा घाघरा रिवर गंदक रिवर गिरवा जो कि uh, कटार नियागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रामगंगा रिवर जिम कॉर्बेट में ठीक है सोन रिवर इन बिहार तो काफ़ी जगहों पर आपको घड़ियाल मिलता है बट मैक्सिमम इनकी जो नंबर्स हैं या जब आप घड़ियाल बोलते हो तो आप रिलेट करते हो वो चंबल है ठीक है IUCN यू सी एन स्टेटस इज क्रिटिकली इन वो हमने देखा है शेड्यूल वन एंड अपेंडिक्स वन ठीक है सो घड़ियाल इज समथिंग जो हम चंबल से रिलेट करते हैं और ये आप अगर याद कर सकते हो तो गिरवा रिवर पे कटारी नियागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑन गिरवा रिवर इन यूपी एंड जिम कॉर्बेट वी ऑल नो राम गंगा इज दिस इज मगर नाउ मगर इज द वन विच इज़ फाउंड इन अगेन रिवर्स लेक्स एंड मार्शेस ठीक है बट ये कोस्टल सॉल्ट वाटर लेगूनस और एस्टरीज में मिलता है देखो इसको ना आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो हमारा पहले हमने किया घड़ियाल वो आपको फ्रेश वाटर एरियाज में मिलता है जो मगर है वो दोनों में मिलता है और जो हमारा लास्ट है सॉल्ट वाटर वो मिलता है आपको एस्टरीज में है तो ये दोनों जगहों पर मिलता है ठीक है इट इज़ एक्सटिंक्ट इन भूटान एंड म्यांमार और uh, अगर हम बात करें वनड्रबल है शेड्यूल वन अपेंडिक्स वन और ये जो है ना मगर और चंबल ये आपको गंगा में मिल जाते हैं चंबल सोन रामगंगा गिरवा में मिल जाते हैं और महानदी में मिल जाते हैं ठीक है तो ये जो रिवर क्योंकि मगर आपको फ्रेश वाटर रिवर में भी मिलेगा और, और कोस्टल वाटर लेगुन्स में भी मिलेगा तो जो फ्रेश वाटर वाले हैं वो ये काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप्ड है इनका हैबिटेट विद दैट ऑफ घड़ियाल ठीक है देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सॉल्टीज कहते हैं इंडिया में ईस्टर्न इंडिया साउथ ईस्ट एशिया एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलता है एस्टोराइन क्रोकोडाइल भी कहते हैं क्योंकि स्वम्पी एरियाज मार्शी एरियाज में मिलता है ओडिशा वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु ठीक है तभी ईस्टर्न इंडिया में आपको ज़्यादा मिलता है अब प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल का पार्ट है ये 1975 में जिसमें तीनों क्रोकोडाइल्स की बात की गई है ठीक है अब शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एट अपेंडिक्स वन आई सी एन स्टेटस हमने देख लिया है लीस्ट कंसर्न ठीक है और इनफैक्ट इसको ना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा था निकोबार में टूरिस्ट पे तो इसको आ, बोला गया था कि इसको शेड्यूल वन से हटा दिया जाए ताकि इसको इसकी कलिंग अलाव हो सके ठीक है बट वो नहीं हुआ देन ऑल लिव रिडले टर्टल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दे आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबांडेंट ऑफ ऑल टर्टल्स विच आर फाउंड इन दी वर्ल्ड है ना और आपको पैसिफिक अटलांटिक इंडियन ओशन तीनों में मिलते हैं ये अलोंग अलॉन्ग विम्प रिडले आ, आ, टर्टल दे कैरी आउट मास नेस्टिंग जहां पे क्या है जो फीमेल्स होती है ना दे कम टू बीचेस और वो इकट्ठे एक एग्स ले करती हैं तो ये मास नेस्टिंग को कहा जाता है अरी बाड़ा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो टर्टल्स हैं ये स्पोराडिक नेस्टिंग नहीं करते अलग अलग अपने एग्स नहीं ले करते वो भी करते हैं बट दे आर नोन फॉर अ यूनिक थिंग दैट इज मास नेस्टिंग गहिर माता जो है ओडिशा में दैट इज़ दी ओनली टर्टल सेंचुरी इन ओडिशा वो काफ़ी फेमस एक मास नेस्टिंग स्पॉट है इट इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच ऑफ ऑलिव रिडले टी सी टर्टल्स ठीक है उसके बाद एक ऑपरेशन ओलिविया है इंडियन कोस्ट गार्ड का ये नाइनटीन एटीज में उन्होंने चलाया था कि बेसिकली जब ये नेस्ट करते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो ठीक है रिसेंटली इसमें कुछ एयरक्राफ्ट इंक्लूड किया गया था इसलिए तो इट वॉज इन न्यूज़ उसके बाद ओडिशा गवर्नमेंट ना ट्रॉलिंग आ, जो ट्रॉलर्स है ना दे आर वेरी मच डेट्रीमेंटल फॉर दिस ऑल रिडले टर्टल्स ठीक है तो जो ओडिशा गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि आप ट्रॉलिंग करो लेकिन आप टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस भी यूज करो ताकि ये निकल जाएँ ठीक है आई यू सी एन स्टेटस इज वनरेबल शेड्यूल वन एंड अपेंडिक्स वन ठीक है दिस इज इम्पॉर्टेंट और ईशा में ना ये आपको ऋषकुल्ल्या रिवर में भी मिलते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है इनकी देन सी टर्टल्स देखो जब हम सी टर्टल्स की बात करते हैं विच आर ऑल्सो नो मेरीन टर्टल्स तो इंडिया में पाँच स्पीशीज हैं ठीक है ऑलि रिडले वनरेबल ग्रीन इंडेंजर्ड हॉक्स बिल क्रिटिकली इन डेंजर्ड लॉगर हैड एंड लेदर बैक वनरेबिल ठीक है ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट लॉगर हैड आर नोन टू नेस्ट अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट और सभी शेड्यूल वन में आते हैं एट फ्रेश वाटर टोटॉयजेज टो और टर्टल्स की बात करें तो ट्वेंटी नाइन है टोटोज होते हैं जो लैंड में ज़्यादा रहते हैं और टर्टल्स होते हैं जो सी में ज़्यादा रहते हैं तो ट्वेंटी नाइन है ठीक है यहाँ पर फ्रेश वाटर टोर्टल्स हैं तो वो मतलब फ्रेश वाटर बॉडीज में ज़्यादा रहेंगे अभी ना जब ये आई यू सी एन वाला इनका जो कन्वेंशन है दैट वॉज गोइंग ऑन तो ए बायोलॉजिस्ट गॉट बेहलर टर्टल कॉन्जर्वेशन अवार्ड विच इज कंसिडर्ड टू बी नोबेल ऑफ टर्टल कॉन्जर्वेशन अ वेरी इम्पॉर्टेंट अवार्ड इट वॉज ऑल्सो को प्रेजेंटेड बाई आई यू सी एन तो है ही उसके अलावा टी एस ए टर्टल सर्वाइवल अलायंस आई यू सी एन टोटॉइस एंड फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट इज टर्टल कॉन्जरवेंसी टर्टल कॉन्जर्वेशन फंड ठीक है सो टर्टल सर्वाइवल अलायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है उसके बाद एक टर्टल कॉन्जर्वेंसी एंड टर्टल कॉन्जर्वेशन फंड इन्होंने भी कोप्रजेंट किया तो इनको क्यों अवार्ड मिला क्योंकि इन्होंने जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं उनके नंबर्स को रिवाइव किया एक तरह से दे ब्रॉटेड बैक ही ब्रॉटड बैक देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन ठीक है so, सो यहाँ पे नादरन रिवर टेरापिन है जो सुंदर बंस में कंजर्व हो रहा है रेड क्राउंड रूफ ए टोटल चंबल जब हमने घड़ियाल किया था तब तो हमने ये पढ़ा था और ब्लैक सॉफ्ट शेल टोटल जो आसाम में ना बहुत सारे टेम्पल्स में कंजर्व हो रहा है ठीक है so, सो नादरन रिवर टेरापिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड शेड्यूल वन एंड अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स रेड क्राउंड रूफ टोटल अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपेंडिक्स टू ऑफ साइट्स एंड ब्लैक सॉफ्ट शेल टोर्टल क्रिटिकली इंडेंजर्ड नो प्रोटेक्शन इन योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स ठीक है तो तीनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और तीनों ही शेड्यूल वन में होने चाहिए लेकिन ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल नहीं है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली इनफैक्ट टेम्पल्स में इसको प्रिजर्व किया जाता है टेम्पल के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर इसको प्रिजर्व किया जाता है और तीनों ही अपेंडिक्स वन में होने चाहिए एक्सेप्ट रेड रूफ टर्टल जो कि अपेंडिक्स टू में है ठीक है दिस इज योर टेराबिन दिस इज़ योर रेड क्राउन रूफ टर्टल एंड दिस इज योर ब्लैक सॉफ्ट शेड टर्टल सो दीज आर फ्रेश वाटर टर्टल्स राइट देन द लास्ट वन इज द ऑपरेशन क्लीन आर्ट ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने कंसीव किया था कि जो मोंगूव हेयर है ना वो पेंटिंग के लिए यूज होता है उसकी स्मगलिंग रोकी जाए ठीक है इंडिया में ना छः स्पीशीज़ हैं मोंगूव की और मोंगूव का अगर हम आई यू सी एन स्टेटस देखें लीस्ट कंसर्ट साइट्स अपेंडिक्स थ्री एंड शेड्यूल टू ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन क्लीन आर्ट राइट सो दिस वॉज रिगार्डिंग टू डेज सेशन ऑन स्पीशीज आई होप इट हैज़ बीन अ प्रोडक्टिव वन फॉर ऑल ऑफ यू इन केस यू वॉन्ट टू इनरोल लास्ट मिनट इनरोल रोल फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज दीज आर द कोर्सेज यू कैन गिव इज इट कॉल एट दिस नंबर एंड वी विल भी हैप्पी टू हेल्प यू इन केस यू हैव एनी डाउट राइट प्लीज टू मैंशन इट इन द कामेंट्स थैंक यू सो मच